स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों। रायसेन मध्य प्रदेश के बेगमगंज में एक फुल की पानी पूरी बेचने वाले की बेटी ने रायसेन जिले के बेगमगंज में नेट परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 167वीं रैंक बनाकर जिले का नाम रोशन किया। एक गरीब व्यक्ति माधो सिंह कुशवाहा की पुत्री कुमारी शिवानी कुशवाहा, जो कि सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की छात्रा है, उसके द्वारा ऑल इंडिया स्तर की गणित विषय की परीक्षा CSIR नेट JRF परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 167वीं रैंक पाकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उक्त छात्रा कुमारी शिवानी कुशवाहा ने 2013 में 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप 10 सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अपनी होनहार पुत्री को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिनांक 15 दिसंबर 2019 को परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसका रिजल्ट हाल ही में 30 जनवरी 2020 को घोषित हुआ था, जिसमें उसे 167वीं रैंक प्राप्त हुई है। वहीं शिवानी की मां का कहना है कि हमने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं किया और आज हमें लगता है कि हमारी बेटी ही हमारा बेटा है। रायसेन से अली हसीन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शिवानी कुशवाहा। कितने घंटे पढ़ती थी आप? यही मान लीजिए आपकी दिन भर ही हो जाता था, नाइट में भी एक बज जाता था पढ़ते पढ़ते। प्रॉपर शेड्यूल होता था कि आज इतने डे में इतना कवर करना, इतने घंटे में इतना कवर, तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग को टारगेट रहता था, तो उतना हम लोग को पढ़ना होता था। ट्वेल्थ में कितने प्रतिशत मिले थे? ट्वेल्थ में 90% थे। थैंक यू। आपको कैसा महसूस हो रहा है आपकी बेटी ने इतनी बड़ी प्रतिभा? बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ पे ये सोचते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं मतलब बेटा है। बहुत मतलब बहुत खुशी हो रही है। हम लोगों ने बहुत मतलब मेहनत की और उसने भी बहुत मेहनत की, तो हमारी मेहनत सफल हो गई। क्या कठिनाइयां आई हैं आपको बच्ची को पढ़ाने में? कठिनाइयां तो बहुत सारी आई हैं, मतलब जैसे कि अपने उनकी फीस की भी आई है, मगर हमने ये सोचा कि चाहे अपन कहीं से करके भी जुगाड़ इनका मतलब कर दो, आगे चल के हमें इतना भरोसा था अपनी बेटी पे कि जे मतलब आगे बढ़ेगी और वो अपना सबका चुका देगी बाद में, मतलब इतना भरोसा था कि इसका कुछ ना कुछ करेगी आगे जाके। जो बेटियों के माता पिता हैं अन्य, उनके लिए कोई संदेश? हाँ, हम चाहते हैं कि जैसे बेटी का मतलब हुनर वो तो समझ में आ जाता है माँ बाप के लिए पहले ही, जैसे कि 10वीं 12वीं में ही वो समझ जाते हैं कि अपने बच्चा कैसा है पढ़ने में, अपनी बच्ची कैसी है, तो उनको वहीं पे मतलब जो जैसे होशियार है अपना बच्चा बच्ची तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। भली घर में अपने गरीबी अमीरी तो चल लगती लगी रहती है, मतलब चाय चटनी से रोटी खा लो, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। माधो सिंह कुशवाहा, आपकी बच्ची ने जो 167वीं रैंक में पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहिए? हम उसको भी धन्यवाद देना चाहते हैं और हम अपने समाज को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को इसी तरह पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं, माँ बाप का रोशन करें। कैसा क्या परिश्रम किया है आपने, कैसे के बच्चों को पढ़ाया है? अब परिश्रम को ये साहब के हमने फुल्की का ठेला चलाते हैं, सुबह लगाते हैं, शाम को घर जाते हैं और अपने पालन पोषण करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। तो आपका मेन व्यवसाय यही है, फुल्की का ठेला लगाना? मेन व्यवसाय यही है, फुल्की का ठेला। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं। तो जो आपकी बच्ची कहाँ पे? अभी बच्ची दिल्ली से पढ़कर आ गई है, अब बेगमगंज आ गई। और आपका जो बालक है? बालक भोपाल में इंजीनियर है। आपको कैसा कुछ संदेश देना चाहिए कुछ बच्चों बच्चियों को, उनके माता पिता को? यही संदेश देना चाहते हैं कि मतलब बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं।